बच्चे तैयार। पहली बात तो ये है भाई, अपना पहले तो सिमन से स्टार्ट होता है। सिमन का चुनाव अच्छा होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अच्छा चुनाव हुआ तभी बच्चा अच्छा हुआ भाई। हाँ जी हाँ जी, अच्छा हुआ तभी अपना मन लगा भाई हम इसमें तैयार करा। हाँ जी हाँ जी, आप फीड कोई अलग से बनवाते हैं बच्चों के लिए? कई आवा जैसे काफ स्टार्टर हो, कई डाल जी आओ फीड भी आप डालते हैं जी? हाँ डालते हैं भैया। कौन से क्या कंपनी का देते हो भाई साहब? कंपनी का तो मैं नहीं वो करूंगा, क्यों फिर वो वही होगी प्रचार वाली बात है। फोन पे बता देंगे आप? हाँ फोन पे बता देंगे। कितना क्या फीड डालते हैं फिर भाई? जितना उसकी कैपेसिटी है, मान लो 100 ग्राम की कैपेसिटी है, 200 ग्राम की कैपेसिटी, बच्चा बच्चा देखना पड़ेगा कैसा है। अच्छा जी सर, फिर बाद में आप की करा दिया आपने, हरा तारा डालना आएगा। हाँ हाँ, उसका पेट का सिस्टम रूमन खराब हो जाएगा। ठीक है जी। ओ, उसका पेट नीचे की तरफ दे सकेगा, वहाँ कम पानी आने लगेगा। हाँ, तो उसका सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर बच्चा बढ़ नहीं पाओगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप आप सब भाइयों का फिर से स्वागत करता हूं जी आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो लेकर के आए कुलदीप रेड्डू भाई के यहां से, गांव बाड़क जिला हिसार से। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएं जानेंगे जी हम बच्चे तैयार है वो कैसे करें, ब्रीडिंग पे आप ध्यान देते हैं, सीमन का चुनाव करते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे तैयार है वो नहीं कर पाते, उसके बारे में आप जानकारी लेंगे जी। एक से एक अच्छी झोटियाँ इन्होंने अपने घर पर तैयार करी है, ब्लड लाइन है कैसी है वो आपने पिछली वीडियो में जाना है जी। अभी जो इनका डाइट प्लान है कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में आप जानकारी लेंगे जी। तो कुलदीप भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताएं जी अपना बच्चे तैयार है वो कैसे करें? बच्चे तैयार पहली बात तो ये है भाई, अपना पहले तो सिमन से स्टार्ट होता है। सिमन का चुनाव अच्छा होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अच्छा चुनाव हुआ तभी बच्चा अच्छा हुआ भाई। हाँ जी हाँ जी, अच्छा हुआ तभी अपना मन लगा भाई हम इसमें तैयार करा। हाँ जी हाँ जी, फिर उसको भाई एक महीने तक तो बढ़िया दूध पिलाओ, जो भी मतलब 3-4 किलो 5 किलो तो नाम तो पी ले, कम से कम 2 किलो प्लस होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, फिर उसने बाद में लेके आओ फील्ड पे। ठीक है जी। आप फीड कोई अलग से बनवाते हैं बच्चों के लिए? कई आवा जैसे काफ स्टार्टर हो, कई डाल जी आओ फीड भी आप डालते हैं जी? हाँ स्टार्ट डालते हैं भैया। कौन से क्या कंपनी का देते हो भाई साहब? कंपनी का तो मैं नहीं वो करूँगा, क्यों फिर वो वही होगी प्रचार वाली बात है जी। फोन पे बता देंगे आप? हाँ फोन पे बता देंगे। कितना क्या फीड डालते हैं फिर भाई? जितना उसकी कैपेसिटी है, मान लो 100 ग्राम की कैपेसिटी है, 200 ग्राम की कैपेसिटी, बच्चा बच्चा देखना पड़ेगा कैसा हो। अच्छा जी सर, फिर बाद में आप की करा दे हाथ में, हरा चारा डाल आएगा। हाँ हाँ, उसका पेट का सिस्टम रूमन खराब हो जाएगा। ठीक है जी। ओ, उसका पेट नीचे की तरफ दे सक जाएगा, आँखों में पानी आने लग जाएगा। हाँ, उस तो उसका सिस्टम ही खराब हो जाएगा, फिर बच्चा बढ़ नहीं पाओगा, कम से कम आपकी 2 साल खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, वो 2 साल में बहनी चाहिए कटरी, वो 4 साल में जाके फिर तैयार हो, उसमें अपना लॉस है। इस करके भी जमींदार में लॉस कहाँ पे भाई, कोई फायदा नहीं इसमें। बढ़िया तैयार करो तो आपकी 1 से 1.5 साल बचत में आ जाएगी, टाइम पहले करड़ी जब भी आ जाएगी। हाँ वो तो डिपेंड उस पर करे, ब्रीड पे भी और तैयार करने वाले पे भी। हाँ जी हाँ जी, फिर आप लेके आओ भाई सब्जी में तो अड़म ले लें, लस्सी ले लें। हाँ वो अपना एक मेन डाइट का होगा। कितनी अड़म कितनी लस्सी सीधे डायरेक्ट पिलाते हैं कोई बोतल वगैरह से? नहीं वो ना बच्चे शुरू में तो नलकी वगैरह से सिखाने पड़े। हाँ। बाद में वो कोई बर्तन में रख दें ताली वगैरह उससे हो जाए, 50 ग्राम अड़म होगी और आधी किलो किलो लस्सी होगी, फिर वो दूध कम कर दिया उनका। दूध फीड के साथ आप चलाते रहते हैं 2-3 महीने? हाँ, दूध तो देखो एक टाइम तो जरूर मिलना चाहिए बच्चा जब तक उसकी माँ दूध दे। अच्छा जी, उसका हक भाई। हाँ हाँ, आप पशु तो रखा अपने बेनिफिट के लिए, पर अपन वो बच्चा भी तो तैयार करना है। हाँ जी हाँ जी, वो अपना ब्याज है। सही बात है जी आपकी, वो भी जरूरी है तभी तो ब्रीडिंग होगी। हाँ आगे भी जिदे बढ़िया जाओगे भाई अपना भाई, जो बच्चे आप कई ये सोच ले बच्चे ज्यादा नुकसान करे, नहीं भाई नुकसान नहीं है, अपन तैयार करेंगे रुचि रखनी है। क्योंकि बहुत सारे डेरियों में दूध का पर्पज होता है, दूध बेचते हैं और बच्चे नहीं तैयार करते, बच्चे नहीं तैयार करते, कई तो भूखे मर जाते हैं। स्लॉटर में जाओ भाई भी कुछ नहीं, फिर बाद में जो 1 साल के हो गए उनमें हम सर्दियाँ बाजरा, हाँ गर्मी में जो गेहूँ बदलिया ये भिगो के दो। हाँ नहीं पकाए के। अच्छा, पकाए के अपने अपने स्टाइल है भाई, तो कोई पकाए के तो डिवर्मिंग वगैरह कोई लीवर तो नहीं कहे? हाँ डिवर्मिंग तो अपना करनी पड़ेगी, ये तो जरूरी है भाई। कितने महीने में करते हैं पहले ये? 3 से 4 महीने में पहले तो हम करते हैं भाई, 20-25 दिन में करते हैं, वैसे तो 15 दिन का है डॉक्टर तो। हाँ जी, फिर हम 20-25 दिन में कराएंगे। तो उसके बाद में कोई लीवर टॉनिक वगैरह देते हैं जी साथ में? लीवर टॉनिक तो डिवर्मिंग कराएंगे तो लीवर टॉनिक अपन देना पड़ेगा, क्यों वो लीवर पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक जहर भी है डिवर्मिंग भी।
जहर जहर तो है, वो जहर है। हमने भी घर पे करके देखा है तो पशु उसमें ज्यादा वीकनेस आती है डेयरमिंग करने से, की तो दवाई देनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी, ब्रोटोन वगैरह ये देना पड़ेगा, कोई भी लीवर का टॉनिक मान लो आप, वो अपने देना पड़ेगा। उसकी फिर भूख डाउन हो जाएगी, लीवर डाउन हो गया तो भूख डाउन होगी, फिर वो अपने आप वीक हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, फिर आप सोचेंगे इतना पे दूध भी पियावा, हाँ जूना ही गोली भी दी थी मान लो जो आप डिवर्मिंग कह दें, हाँ जी हाँ वो भी करी थी, फिर उससे वो अधूरा ज्ञान हो गया नहीं, कई बार अपन ये नहीं पता चलता भाई इसका लीवर डाउन हो गया इस करके भी। तो आपकी कम से कम कितने समय में जब पशु आ गया बिना जोती हिट में आती थी पहली फर्स्ट टाइमर जोटियाँ? पहले भाई अपनी तो मान लो 30 महीने से 32 महीने की तो बच्चा देते भाई, ढाई साल, हाँ ढाई से कम ही मान लो आप। तो देखें जी काफ़ी अच्छे पशुपालक जी जो कि 2.5 से 3.5 साल में बच्चा ले लेते हैं अपने पशुओं से, और जब भी आम किसानों की 4-4 साल की गैबिन भी नहीं होती, ये एक से एक अच्छी भाई 7 फरवरी 2 साल की होती, 3 नंबर वाली है। हाँ ये जो, और ये 4 महीने की 18 तारीख में होगी। कितने कितने दिन की होगी? 2 साल की होगी, 4 महीने की 18 तारीख। अभी गैबिन कितने भी नहीं, दूसरे भी नहीं, 7 तारीख ये होगी, 2 महीने की 14 तारीख में। अच्छा, 14 तारीख प्रेगनेंट, ठीक है जी। और ये अब जो 7 तारीख आएगी, तो देखे जी आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर, कैसे काप तैयार करें, और आम पशुपालक के यहाँ से आपका वीडियो जो कवर कर रहे हैं जी, तो आपको ये पिछले साल का बैच है सारा, ये 3 और 1, तो सारे के साथ पशु जो अच्छे तैयार करते हैं जी अपने यहाँ पे। कुछ लोग सोचते हैं भी पशु बच्चे को तैयार करना एक महंगा है, तो कोई महंगा नहीं है भी, आपके 1-2 साल 1.5 साल जो भी वो बचेंगे, अच्छा खुराक देंगे तो आप और बढ़िया दूध पियाएंगे जी। तो आज की यही थी जानकारी जी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे एक अच्छी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट करके बताते रहें भी हर वीडियो के अंदर क्या कुछ पूछने के लिए कोई कमी रह गई है, तो आप आगे आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर किसी दूसरे पशुपालक से जो पूरी जानकारी लेकर के आएँ। तो धन्यवाद जी भाई को वीडियो देखने के लिए। तो भाई साहब अपना एक फ़ोन नंबर बताएँ, 80599। हाँ जी हाँ जी, 49173। तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है जी, कभी भी आप कॉल करके कोई भी जानकारी है वो ले सकते हैं जी।